आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। और ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, आप इसे घर में ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ मैंने आधा किलो पनीर लिया है, आधा किलो मैंने पालक लिया है, और सूखे मसालों में मैंने ज़ीरा लिया है, और ये जीरा और धनिया है सूखा जो मैंने तवे पे डालकर थोड़ी सी देर के लिए डोस कर लिया था, और इसको अच्छे से दरदरा कर लिया है। इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना दोस्तों, इसे दरदरा ही रखना है। और ये मैंने मिर्च पाउडर लिया है, ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये मैंने हरी मिर्च ली है, दो टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, प्याज लिए हैं, लहसुन ली है, और अदरक लिया है, और नमक मैंने स्वाद अनुसार लिया है। आइए दोस्तों मैं काटना शुरू करती हूँ प्याज को। आपको प्याज मिक्सी के जार में डाल के नहीं पीसने हैं, टमाटर में मिक्सी के जार में डालकर इसकी बारीक पेस्ट बना लूँगी। हम ऐसे प्याज बारीक कट कर लेते हैं। गाइस प्याज मेरे अच्छे से कट हो चुके हैं, मैंने 3-4 लहसुन की कली भी काट ली है, और ये मैं मिक्सी के जार में डालकर पीस लूँगी। इसको हटा देते हैं और अब पनीर कट कर लेते हैं। ये हम मीडियम साइज के कट करेंगे पनीर। गाइस जब हम साग बनाते हैं ना पालक और सरसों का, तब बच्चे नहीं खाते, और पालक पनीर बच्चे बड़े अच्छे से खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए पालक पनीर अक्सर करके हमारे घर में बनता रहता है। पनीर मैंने कट कर लिया है। तो गाइस अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 1 छोटा गिलास पानी का, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च और नमक। इसमें हम एक उबाल आने देते हैं, तब तक के लिए हम इसको ढक देते हैं। मेरे पानी में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें पालक ऐड कर देती हूँ। गाइस मैंने पालक काट लिया था, आप देख सकते हैं मेरे पालक में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैं एक बार इसको ऐसे चला देती हूँ। चलिए देखते हैं हमारे पालक का क्या हाल है। अब हम देखते हैं हमारा पालक गला है कि नहीं। पालक हमारा गल चुका है, अब हम इसको पीस लेते हैं ठंडा करके। गाइस अब मैं बनाना शुरू करती हूँ पालक पनीर। इसके लिए मैंने रिफाइंड लिया है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने रिफाइंड लिया है, और इंडक्शन करती हूँ ऑन। रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं, और साथ ही डाल देते हैं कटे हुए प्याज, और 3 से 4 जो मैंने लहसुन की कली काटी थी वो भी मैं डाल देती हूँ। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, अभी हमें इनको थोड़ा सा और ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना है, और थोड़ा वाइट भी नहीं रखना है, एकदम मीडियम करना है। ये हमारा हो चुका है प्याज ब्राउन, अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर पिसे हुए। थोड़ा
थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर देती हूँ। सूखे मसाले डाल दे रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छे से चला लेते हैं। अब हम इन सबकी अच्छे से भुनाई कर देते हैं सभी मसालों की। आप देख सकते हैं मेरे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब ये अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें पिसा हुआ पालक डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है ऐसे अगर आप बनाओगे पालक पनीर। अब मैं इसमें कटा हुआ पनीर डाल देती हूँ। आप इसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। फिर ऐसे डालोगे तो ज़्यादा स्वाद आता है। मैं इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये 1 से 2 मिनट पक चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया। याद रहे आपको इसको 2 मिनट पका के तभी धनिया डालना है और ज़ीरा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, प्लीज़ सपोर्ट भी। अब हम इसको और पकने देते हैं। एक बार आप ऐसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ ऊपर से छौंका। उससे क्या होता है बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है। हम इंडक्शन बंद करते हैं और ये हमारी लाल मिर्च काली हो चुकी है। अब हम इसको डालते हैं अपने पालक पनीर में। अब हमारा पालक पनीर बनकर रेडी है खाने के लिए एकदम। देखो गाइस, मेरा पनीर का टुकड़ा एक भी नहीं घुला है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं गाइस मेरा पालक पनीर कितना अच्छा बना है। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें पनीर डाला था, फ्राई नहीं किया था, वो घुला भी नहीं है, जैसे पीस मैंने काटे थे एकदम वैसे ही है, आप देख सकते हैं। गाइस, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।